होगा, उसकी चीजें उल्टी होने लगेंगी, आपकी जो मनोकामना है हो। और इसके नियम बड़े सख्त हैं, इसके प्रभाव बहुत तेज होते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार जो कि प्याज और लहसुन की जो उत्पत्ति हुई थी वो राक्षस के मल से हुई थी, राहु और केतु के। और जब भी हम ये एक तरह से इसको हमारे शास्त्र में, हमारे सनातन धर्म में तामसिक भोजन माना गया है, ठीक है। तो हमारे हनुमान जी हैं बाल ब्रह्मचारी, ठीक है, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो अगर हमारे यहाँ घर में पूजा पाठ भी होता है तो देखती हैं बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनता है। इसीलिए ये है, एक तरह से आप इसे दवा में यूज़ कर सकती हैं, लेकिन जब पूजा पाठ की बात आती है तो ये पूरी तरह से बैन होता है, बस यही रीज़न है जी। ये जो सिद्ध नारियल है, ये पूज्य गुरुदेव भगवान द्वारा सिद्ध किया हुआ नारियल है, इसको अपने मंदिर में या फिर अपने दरवाजे पर बांधना होता है। और इसके नियम बड़े सख्त हैं, आपको लहसुन प्याज मांस मदिरा इन सब चीज़ों को घर में पूरी तरह से बंद करना है, नहीं खाना है, बनाना ही नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके प्रभाव बहुत तेज होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे नियम है, घर में शुद्धता होनी ही चाहिए। और जब घर में कोई मृत्यु हो जाए या कोई बच्चा पैदा हो, जब कुछ गलत चीज़ें होती हैं, जैसे क्या कहते हैं, अगर मृत्यु हो जाती है तो वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो उस कंडीशन में इसको जल प्रवाह कर दिया जाता है, गंगा जी या नदी में बहा करके फिर दूसरा नारियल ले जाते हैं, ठीक है। ये इसके नियम है, इससे क्या होता है कि आपके घर में सुख शांति रहती है, नहीं बनता फिर उसका दुष्प्रभाव होगा, उसकी चीजें उल्टी होने लगेंगी, आपकी जो मनोकामना है हो बस, ठीक है। थैंक यू सीताराम।